अभी हाँ पे कुछ ही लम्हों में यहाँ दूसरा पीरियड खेला जाएगा 16 CEC कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का ये फाइनल मैच मेंस कैटेगरी का ITBPA वर्सेस लद्दाख स्कॉर रेजिमेंटल सेंटर ए। और इसी के साथ ये दूसरा पीरियड शुरू हो चुका है। तो फिर वहां पर मोहम्मद इस्माइल द्वारा यहाँ पे शूट लगा गया था। यहाँ पे अभी भी पावर प्ले यहाँ पे चलता हुआ ITBPA की टीम फुल स्ट्रेंथ पे, जबकि आर्मी की टीम यहाँ पे शॉर्ट हैंडेड है। आप देखने हैं कि इसका फायदा ले पाते हैं कि नहीं। इसी बीच एक बार फिर वहां पे डीके द्वारा खूबसूरत पास अपने साथी बाकू के लिए। बाकू एक बार फिर अटैकिंग जोन में दाखिल हो चुके हैं। अच्छी मूव यहाँ पे, पर यहाँ पे एक बार फिर रेस की टीम पाक को छीनने में उनको कामयाबी मिली है। बैक हैंड पास उन्होंने अपने साथी को दी थी। अब पाक एक बार फिर वहां पे आप ITBPA के डिफेंडिंग जोन में एक बार फिर यहाँ पे आप डीके द्वारा खूबसूरत पास अपने साथी के लिए। इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप ITBPA के खिलाड़ी पाक को लेके मूव कर रहे हैं। एक बार फिर मोहम्मद इस्माइल के कब्जे में पाक न्यूट्रल जोन से अटैकिंग जोन के दाखिल होते हैं। उनका पास यहाँ पे, पर वहाँ पे स्टेट के पर संतुलन नहीं रख पाए वहाँ पे ITBPA के खिलाड़ी। एक यहाँ पे थ्रू पास लेना चाह रहे थे पर ले नहीं पाए, वहाँ पे उनकी कोशिश को नाकाम कर दिए। आप यहाँ पे सभी दोनों ही टीमें आप यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। दोनों ही टीमें जो पावर प्ले मिला था उसका टाइम अब खत्म हो चुका है लिया। इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप बेहतरीन मूव, अच्छी कोशिश यहाँ पे आप ITBPA के खिलाड़ी पाक को लेके मूव करना चाह रहे हैं टैशी रंगल द्वारा, पर इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप लद्दाख स्कॉर के खिलाड़ी मौजूद थे। इसी बीच एक बार फिर वहाँ डीके द्वारा बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने साथी टैशी के लिए पास तैयार किए। टैशी द्वारा एक पास उनका पास पर वहाँ पे उनके खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप रेड के डिफेंडर द्वारा अच्छा तालमेल पर इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे टैशी पाक को छीनने में उनको कामयाबी मिली। अच्छा मौका यहाँ पे ITBPA के लिए, पर इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप ITBPA के खिलाड़ी टैशी 47 नंबर की जर्सी में अच्छा टॉच यहाँ पे पर क्रॉस पास नहीं कर पाए। वहाँ पे रेड के खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया उनको। इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे अच्छा तालमेल अब यहाँ पे बकू द्वारा खूबसूरत पास वहाँ पे अपने साथी के लिए। अब यहाँ पे रेड के लिए अच्छा मौका, बेहतरीन अच्छी कोशिश, एक शूट लगा गया पर वहाँ पे उतनी अच्छी शूट नहीं, काफी डिजाइन शूट लगा कि में इसको छक्कू शूट कहा जाता है। पर हाल इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप बेहतरीन कोशिश यहाँ पे ITBPA के जानिब से पर उसको वहाँ पे गोल करने में नाकाम रहे। इसी बीच एक बार फिर और एक अटैक में निकल चुके हैं पर इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे ITBPA के लिए आपको अच्छा मौका है। इसी के साथ अब ITBPA ने अपना खाता खोल दिया है। आप स्कोर बढ़ता हुआ 1-0 ITBPA रेजिमेंटल सेंटर ए 0। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप एक बार फिर यहाँ पे आप रिंग के बीचों बीच एक बार फिर यहाँ पे फेस ऑफ कराने के बाद एक बार फिर अच्छी मूव यहाँ पे आप ITBPA के खिलाड़ी यहाँ पे मूव करते हुए बेहतरीन पास वहां पे एक बार फिर मोहम्मद इस्माइल डायरेक्ट शूट कर रहे हैं पर वहां पे रेफरी द्वारा विसिल ऑफ साइड का इशारा। आज के हमारे इस मैच के ऑफिशियल रेफरी का पास संभाल रहे हैं टुंडुम नंगल और स्कलजंग वंगल। गेम का ये दूसरा पीरियड चलता हुआ 16 CEC कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का ये फाइनल मैच लद्दाख स्कॉट वर्सेस ITBPA के दरमियान खेला जा रहा है। इस मेगा चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप बेहतरीन पास, एक अच्छी मूव, अच्छी कोशिश आप यहाँ पे रेस के लिए सुने रहा यहाँ पे लैपिंग करो पाको ले के देख रहे हैं कि कहां पे पास करें। एक शॉट पास अपने साथी के लिए, एक स्लैप शॉट लगा गया था काफी दूर से पर वहां पे ITBPA के खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने पाक को वहीं रोक दिया है। इसी बीच एक बार फिर अब यहां पे पाक को लेके मूव करना चाह रहे हैं। अच्छी मौका, अच्छा मौका यहां पे अच्छी ताल में। इसी बीच एक बार फिर वहां पे अच्छा मूव यहां पे ITBPA के
डिफेंडर के कब्जे में पास, देख रहे हैं कि कहां पे पास करें, बेहतरीन में अच्छी कोशिश एक बार फिर वहां पे मोहम्मद इस्माइल पाक को लेके मूव करना चाह रहे थे, पर वहां पे रेड्स के खिलाड़ी पाक को छीनने में उनको कामयाबी मिली है। इसी बीच एक बार फिर वहां पे आज थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी गुप्तगु चलता हुआ, यहाँ पे अतिरिक्त के खिलाड़ी को बाहर कर दिया है। एक बार फिर यहाँ पे आप पावर प्ले में है, यहाँ पे क्रॉस चेक के तहत आप 2 मिनट के लिए बाहर कर दिया है यहाँ पे आईटीबीपी के खिलाड़ी को। आप यहाँ पे सुनहरा मौका लद्दाख स्कॉट के लिए, आप मैं सुनना चाहूंगा जीतोगे नहीं जीतोगे, जीतोगे नहीं जीतोगे। बहरहाल एक बार फिर वहां पे आप न्यूट्रल जोन में फेस ऑफ के लिए तैयार। अब अच्छा मौका यहाँ पे आप लद्दाख स्काउट के लिए देखना है कि इस पावर प्ले का फायदा ले पाते हैं कि नहीं। बहरहाल एक बार फिर वहां पे आप फेस ऑफ के बाद ये रेड्स ने ये फेस ऑफ जीता है। एक बार फिर यहाँ पे आप पाक को लेके मूव कर रहे हैं दोर्जे नमगल। इसी बीच एक बार फिर वहां पे ऑफ साइड करार दिया है राघव द्वारा, क्योंकि उनके ऑफेंडर्स पाक से पहले ही अटैकिंग जोन में दाखिल हुए थे, लिहाजा इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप न्यूट्रल जोन में फेस ऑफ कराया जाएगा। एक बार फिर वहां पे फेस ऑफ के बाद एक बार फिर आईटीबीपी ने फेस ऑफ जीता, वहां पे इस्माइल द्वारा खूबसूरत तरीके से पाक को क्लियर कर दिया। इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप दर्जे 89 नंबर के जर्सी में पाक को लेके मूव कर रहे हैं, न्यूट्रल जोन से आगे पीछे घुमाते हुए बेहतरीन पास अटैकिंग जोन में दाखिल हो चुके हैं। उनका पास राइट विंगर के लिए पाक को लेके मूव करना चाह रहे हैं, खूबसूरत पास पर वहां पे उनके सेंटर फॉरवर्ड मौजूद नहीं थे, नहीं थे अच्छा मौका मिला था यहां पे रेस के लिए। दर्जे द्वारा बैक हैंड शूट करना चाह पर कनेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर वहां पे आप बाकू पाक को लेने के लिए मूव कर रहे हैं, पर वहां पे तब तक रेस के खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने पाक को आगे धकेल दी। इसी बीच एक बार फिर वहां पे रेस के खिलाड़ी देख रहे हैं कि कहां पे पास कर रहे, बड़ी खूबसूरत तरीके से राइट विंगर के हाथ सौंप दिया है। इसी बीच एक बार फिर वहां पे सेवन तमचोस पाक को लेके मूव करना चाह रहे थे, इसी बीच एक बार फिर वहां पे अच्छा मूव अटैकिंग जोन में रेस के टीम दाखिल हो चुके हैं, अच्छा मौका पर वहां पे एक बार फिर बड़ी खूबसूरत तरीके से वहां पे बकू द्वारा क्लियरेंस लेते अच्छा मूव यहां पे रेस के जानिब से। इसी बीच एक बार फिर यहां पे आप रेस के खिलाड़ी अटैकिंग जोन में दाखिल हो चुके, अच्छा मूव अच्छी कोशिश पर यहाँ पे एक बार फिर वहां पे ऑफ साइड का इशारा, दर्जे थोड़ा सा चूक गए थे क्योंकि पाक अटैकिंग जोन से न्यूट्रल जोन में निकल गए थे, लिहाजा वहां पे ऑफ साइड करा दिया है रेफरीज द्वारा। 16th सीसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप मेंस कैटेगरी का यह फाइनल मैच लद्दाख स्काउट वर्सेस आईटीबीपी के दरमियान यह मैच खेला जा रहा है। इसी बीच एक बार फिर यहां पे आप बेहतरीन कोशिश अच्छी मूव यहां पे आप ये जो पावर प्ले मिला था अभी खत्म हो चुका है। आप यहां पे आप दोनों टीमें आप फुल स्ट्रेंथ पे आप खेलते हुए अच्छा पर वहां पे एक बार फिर हल्का सा कंफ्यूजन, बहुत ही उम्दा बचाव वहां पे गोलकीपर द्वारा, बहुत ही उम्दा बचाव मिलते एक अच्छा अटेम्प्ट यहां पे रेड की जानिब से। बहरहाल अभी भी स्कोर 1-0 आईटीबीपी 1 लद्दाख स्काउट 0। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं इसी महीने के 17 तारीख को वुमेन्स कैटेगरी का ये फाइनल मैच खेला गया था आईटीबीपी वर्सेस लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन ब्लू के जानिब, जिसे उस मैच को आईटीबीपी ने जीत लिया था। आज यही कोशिश होगी आईटीबीपी के टीम की मेंस कैटेगरी के भी ट्रॉफी यही उठाएं। बहरहाल इसी बीच फिर वहां पे आप चमशेद पाक को लेके आगे बढ़ रहे पर वहां पे कनेक्ट नहीं कर पाए, लिहाजा एक बार फिर वहां पे डीके द्वारा बड़ी खूबसूरत तरीके से पाक को दूसरे छोर धकेलने की कोशिश पर इसी बीच यहां पे रेफरी द्वारा वेसिल। अब एक बार फिर वहां पे आप फेस ऑफ कराया जाएगा आईटीबीपी के डिफेंडिंग जोन में, दोनों ही टीमों को यहां पे दो दो पावर प्ले मिले थे जिसका उनको फायदा नहीं ले पाए वो लोग। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप फेस ऑफ के बाद एक बार फिर आईटीबीपी ने ये फेस ऑफ जीता है। एक बार फिर वहां पे बड़ी खूबसूरत तरीके से वहां पे क्रॉस पास आईटीबीपी के खिलाड़ी द्वारा बड़ी उम्दा तरीके से वहां पे पास की थी, पर वहां पे हल्का सा प्ले नहीं पाए पापा, अच्छा मौका यहां पे आईटीबीपी
यहाँ पे हल्का सा चुके, बहुत ही उमदा तरीके से यहाँ पे एक शूट डाका गया, हल्का सा चुके नीट एक अच्छा मूव यहाँ पे बनाया था टुके टुके जाने से। बहरहाल एक बार फिर अब यहाँ पे रेस के खिलाड़ी पाक को लेके आगे बढ़ना चाह रहे, पर तब तक एक बार फिर आईटीबीपी के खिलाड़ी अटैकिंग जोन में दाखिल हो चुके, पर अब यहाँ पे रेस के खिलाड़ी सेवंग द्वारा बड़ी खूबसूरत तरीके से पाक को क्लियर कर दिया गया। एक बार फिर वहाँ पे अब मृदु द्वारा शूट आगा गया, पर वहाँ पे रेस के खिलाड़ी अटैकिंग जोन में दाखिल हो चुके, अच्छा मौका यहाँ पे शूट आगा गया, पर वहाँ पे आईटीबीपी के डिफेंडर आप चट्टान की तरह खड़े हैं, कोई मौका नहीं देना चाह रहे हैं। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे आप मेंटक द्वारा बड़ी खूबसूरत तरीके से पास दिया गया था, इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप मूव करते हुए पर तो वहाँ पे आईटीबीपी के खिलाड़ी ने वहाँ पे उनको रोक दिया गया। अच्छी यहाँ पे कोशिश सेवा मंडल द्वारा, पर वहाँ पे आईटीबीपी के खिलाड़ी मौजूद थे, काफी दूर से एक शूट लगाया गया रेज की जानिब से। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे आप रेज के डिफेंडर पहुंच चुके, उन्होंने पाक को वहां से धकेल नहीं चाहा, पर वहां पे आईटीबीपी के खिलाड़ी मौजूद, अच्छा मौका सचिन द्वारा, बहुत उनका पास यहां पे सनी के पानी द्वारा एक शूट डालने की कोशिश, एक अच्छा कोशिश, पर वहां पे गोलकीपर दौड़ के मौजूद थे, कोई मौका नहीं दिया उनको। इतनी बहरहाल एक बार फिर यहाँ पे आप पाक को लेके आगे बढ़े आईटीबीपी के खिलाड़ी नंगल, पर वहां पे ले नहीं पाए शूट, इसी बीच एक बार फिर आप रेस के खिलाड़ी पाक को लेके आगे बढ़े, अच्छी कोशिश यहाँ पे बेहतरीन, आप देखना है किसका फायदा ले पाते हैं कि नहीं। राइट विंग के शेखर से पाक को लेके मूव करना चाह रहे हैं, आप नेट के पीछे पाक पहुंच चुके हैं, पर एक तक फिर वहां पे आईटीबीपी के खिलाड़ी दोनों खिलाड़ी वहां गिर चुके हैं, शूट लगा गया, पर वहां पे ले नहीं पाए, इसी बीच एक फिर पटना की द्वारा एक अलग पास, आप इसका फायदा आईटीबीपी की टीम लेने जा रहे हैं, वहां पे सचिन उसको गोल में तब्दील करने में नाकाम रहे, वहां पे रेस के कब्जे में पाक, उन्होंने पाक को क्लियर कर दिया। एक बार फिर वहां पे आप वीरेंद्र थापा के कब्जे में पाक, पाक को लेके मूव करना चाह रहे, बड़ी खूबसूरत तरीके से पास को क्लियर कर दिया अपने साथी के लिए, पर इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप आईटीबीपी के खिलाड़ी मूव करना चाह रहे, तब तक रेस के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। एक बार फिर वहां पे मामा इस्माइल पाक को लेके मूव करना चाह रहे, कभी ऊंचे कद के खिलाड़ी, इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप न्यूट्रल जोन से अटैकिंग जोन की ओर दाखिल होना चाह रहे हैं, और कामयाबी भी मिले यहां पे, मोहम्मद इस्माइल मूव करना चाह रहे हैं, पर वहां पे रेड्स के खिलाड़ियों द्वारा उनको वहीं पे रोक दिया गया, उनकी उस कोशिश को नाकाम कर दी वहां पे रेड्स के डिफेंडरों द्वारा। इसी बीच एक बार फिर आप यहां पे आईटीबीपी के डिफेंडर के कब्जे में पाक, एक बार फिर पाक को लेके आगे बढ़ रहे, बेहतरीन पास वहां पे, अब यहां पे बाकू द्वारा गलत पास, जिसका फायदा यहां पे आर्मी लेना चाह रहे थे पर नहीं मिल पाए, इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे आप आर्मी के खिलाड़ी बेहतरीन मूव, अच्छी कोशिश यहाँ पे, बेहतरीन मूव करते हुए यहाँ पे अच्छा मौका, रेंज के लिए एक शूट लगा गया, पर वहाँ पे गोलकीपर मौजूद थे, यहाँ पे अटैक पैटैक किया गया था सेवंगदुर जी द्वारा, पर वहाँ पे गोलकीपर चौकन्ने खड़े थे, कोई मौका नहीं दिए उनको, इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप पाक को लेके मूव करना चाह रहे, अच्छा मौका आप यहाँ पे आईटीबीपी के लिए, पर एक बार फिर वहाँ पे आप आर्मी के खिलाड़ी बेहतरीन मूव, अच्छी कोशिश यहाँ पे दशकम नंगल द्वारा। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप आईटीबीपी के डिफेंडर के कब्जे में पाक, बड़े खूबसूरत तरीके से पाक को दूसरे छोर धके दिया, आप यहाँ पे रेस के डिफेंडिंग जोन से आप पाक को न्यूट्रल जोन की ओर धकेला गया, आप पाक यहाँ पे आईटीबीपी के डिफेंडिंग जोन में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर वहाँ पे आप वीरेंद्र थापा पाक को लेके मूव करना चाह रहे हैं, अच्छा मौका यहाँ पे, तो एक बार फिर यहाँ पे आप आईटीबीपी के खिलाड़ी एक बार फिर पाक को लेके मूव कर रहे हैं, अच्छी कोशिश, बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पाक को लेके मूव करना चाह रहे थे थापा, पर उसको लेने में नाकाम रहे, इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप डिफेंडर द्वारा बड़े खूबसूरत वहां पर डीके पहुंच चुके, डीके द्वारा बड़ी उमदा तरीके से यहां पे एक गेम खेलते हुए तारीफ करनी होगी यहां पे डीके की। एक बार फिर वहां पे आप न्यूट्रल जोन देखिए, बहुत ही उमदा पास अपने साथी के लिए, एक शॉर्ट पास तैयार कर दिए, एक बार फिर न्यूट्रल जोन से अटैकिंग जोन की ओर दाखिल होना चाह रहे थे, पर वहां पे मोहम्मद इस्माइल ले नहीं पाए, इसका फायदा यहां पे रेस के खिलाड़ी ने ली है, पर हल अभी भी और यहाँ पे ऑफ साइड करा दिया राफे द्वारा, बहुत ही उमदा यहाँ पे डिसीजन, क्योंकि आईटीबीपी के खिलाड़ी पाक से पहले अटैकिंग जोन में दाखिल हुए थे, लिहाजा आप यहाँ पे उसको ऑफ साइड करार दिया है। गेम का ये दूसरा पीरियड चलता हुआ अभी तक का स्कोर 1-0 आईटीबीपी 1 लद्दाख स्कॉट 0। अब यहाँ पे लद्दाख स्कॉट की टीम यही चाहते होंगे कि किसी भी हाल में इस पीरियड में यहाँ पे गोल दागे ताकि स्कोर इक्वल हो, जबकि दूसरे छोर से आईटीबीपी के यही रणनीति होगी कि किसी भी हाल में इस लीड को मेंटेन रखना है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस
किया उसको, कामयाबी दुखती है। बहरहाल इसी बीच का फिर ठीक ने अपने कब्जे में पाक को ले लिया है। देख रहे बहुत ही उनका पास यहाँ पे ठीक द्वारा बड़े खूबसूरत तरीके से पाक को लेके मूव करना चाह रहे। इसी बीच बारी अब फिर यहाँ पे आप मूव करने बेहतरीन मूव, अच्छी कोशिश यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मूव यहाँ पे तोड़िए 87 नंबर की जैसी में पाक को लेके मूव कर रहे तोड़िए, जो कि अपने री शॉट के लिए माना जाता है। क्लोज पास वहाँ पे, यहाँ पे अच्छा मौका रूट्स के लिए। ऊपर फिर अब यहाँ पे अटीवी के खिलाड़ी बेहतरीन मूव, अच्छी कोशिश, क्लोज पास की तलाश में एक शॉट लगा गया यहाँ पे हल्का सा चुके नेत्र, बहुत ही उम्दा यहाँ मौका जमयंग टकपा द्वारा एक शूट लगा गया था। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर वहां पे पास, एक बार फिर यहाँ पे एटीपी के खिलाड़ी अटैकिंग जोन में निकल चुके, एक बार फिर जमिया देख रहे हैं कि कहाँ पे पास करें। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर वहां पे अब रेस के खिलाड़ी कोई मौका नहीं दे रहे। मैं पहले आस कर रहा था जो बोर्ड के सामने बैठे आप सब यहाँ से हट जाइए, अगर आपको लगता है तो बहुत खतरनाक आपको खेल लगेगा। आप यहाँ पे दर्जे को यहाँ पे आप 14 नंबर की जर्सी में उनको डोमिनेट के लिए एक बार फिर बाहर कर दिया है। अब एक बार फिर यहाँ पे आप आईटीबीपी के लिए बहुत ही उम्दा मौका आप यहाँ पे और 2 मिनट का आप इनको पावर प्ले मिला है। 14 नंबर की जर्सी में आप कुर्जे को बाहर कर दिया है रेड्स के खिलाड़ी। अब यहाँ पे एक बार फिर आईटीबीपी पावर प्ले में पहुंच चुका है, देखना है कि आप इस पावर प्ले का फायदा ले पाते हैं कि नहीं। एक बार फिर यहाँ पे फेस ऑफ जीता है, एक बार फिर वहां पे मिंगूर द्वारा पास करने की कोशिश कर वहां पे तब तक डीके मौजूद है, डीके ने अपने कब्जे में पार कर लिया। बहुत ही खूबसूरत बचाव यहां पे डीके द्वारा, तारीफ कर रही होगी यहां पे इस खिलाड़ी की। एक बार फिर वहां पे आप खराब पास वहां पे, एक बार फिर अब यहां पे आप एक्टिविटी के लिए सुनहरा मौका, देखिए अच्छा तालमेल एक शूट लगा गया पर वहां पे गोलकीपर तुरंत की तारीफ कर रही होगी। बहुत ही उम्दा बचाव, अच्छा मौका आप यहाँ पे बैक है शूट लगा गया पक्कू द्वारा पास, शूट में कोई जान नहीं आया तब तक वहां पे दर्जे आके उन्होंने पाक को क्लियर कर दिया है। पाक बहरहाल अभी न्यूट्रल जोन की ओर मूव करते हुए इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप दोनों ही टीमें तो खिलाड़ी पाक को छीनने की जद्दोजहद को फिर पक्कू पाक को छीनने में पक्कू को कामयाबी मिली। अच्छा मौका बचाव यहाँ पे रेत के जाने से पर में द्वारा एक बार फिर बचाने की कोशिश अभी भी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अच्छी क्रॉस पास वहाँ पे तब तक बड़ी खूबसूरत तरीके से वहाँ पे आर्मी के डिफेंडर मौजूद थे वहाँ पे बड़ी खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पे अच्छा मौका रेत के लिए पर वहाँ पे आईटीबीपी के खिलाड़ी तब तक पहुंच चुके थे, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा वहाँ पे रेड्स के लिए। एक बार फिर आप यहाँ पे आईटीबीपी के खिलाड़ी आप मूव करना चाह रहे, अच्छा मौका बेहतरीन अच्छा तालमेल पर यहाँ पे हालात पास तब तक वहाँ पे दर्जे आ गए, उन्होंने अपने कब्जे में पाक को ले लिया। बेहतरीन उम्दा पास अपने साथी के लिए न्यूट्रल जोन से अटैकिंग जोन की ओर दाखिल होते हुए रेड्स के खिलाड़ी, अच्छी कोशिश काफी दूर से एक शूट लगा गया पर शूट की कोई जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। एक बार फिर वहां पे आईटीबीपी ने अब अपने कब्जे में पाक को ले लिया है। गेम का अभी ये दूसरा पीरियड चलता हुआ अभी तक का स्कोर 1-0। अब यहां पे आईटीबीपी के लिए अच्छा मौका दिखे द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने पास अपने साथी सेंटर फॉरवर्ड के लिए कर दी थी पर वहां पे उनके सेंटर फॉरवर्ड शहीन हो गए थे नेटेड उनका पास डीके द्वारा, जितनी तारीफ करी इस खिलाड़ी की उतनी कम। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप रेस के खिलाड़ी आप जो पावर प्ले मिला था वो खत्म हो चुका है, दोनों ही टीमें आप फुल स्ट्रेंथ पे एक बार फिर यहां पे खेलते हुए। इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप आईटीबीपी के खिलाड़ी एक बार फिर अटैकिंग जोन में दाखिल हो चुके हैं क्रॉस पास करने की कोशिश पर वहां पे उनके खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप वीरेंद्र थापा के कब्जे में पास उन्होंने अपने साथी के लिए पास कर दी थी पर वहां पे हल्का सा कंफ्यूजन। बहरहाल अब यहां पे रन का फायदा लेते हुए पास तब तक एक बार फिर वहां पे थापा द्वारा उम्दा क्लियरेंस नहीं तो एक अच्छा मूव यहां पे रेड की जानिब से हुआ था। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप आईटीबीपी के खिलाड़ी द्वारा उम्दा पास यहां पे इमामद इस्माइल द्वारा बहुत ही उम्दा पास अच्छा रन हल्का सा चुका आप यहाँ पे आईटीबीपी के खेमे में खुशियों की लहर, बहुत ही उम्दा गोल यहाँ पे आप स्कोर बढ़ता हुआ 2-0।
बहुत ही उम्दा स्कोर यहाँ पे एक्टिविटी के जानिब से, काफी रोमांचक मैच यहाँ पे। अभी ये कहना मुश्किल है मैच कौन जीतेगा, अभी ये दूसरा पीरियड चल रहा है, अभी तक का स्कोर 2-0। एटीबीपी का पल्ला बारी 2-0। अब एटीबीपी के बैंड पार्टी शुरू हो चुका है, यहाँ पे बैंड कश्ती हुई एटीबीपी की। आप यहाँ पे इस घड़ी में आप यहाँ पे रेस को बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पे आप रेस को गेम खेलना पड़ेगा। इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप रेस के खिलाड़ी द्वारा उम्दा बचाव, इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप रेस के खिलाड़ी पाक लेके न्यूट्रल जोन से आटे की क्या और निकालते हुए सीमांतों के द्वारा एक शूट काटने की कोशिश पर वहां पे रेफरी द्वारा ये विसल। गेम का ये दूसरा पीरियड चलता हुआ, अभी तक का स्कोर 2-0, आईटीबीपी 2 लद्दाख स्काउट 0। आज के इस मैच को देखने के लिए काफी संख्या में यहाँ पे लोग तशरीफ फरमा है। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से आप सबका यहाँ पे खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भरपूर इस मैच का आनंद ले रहे होंगे। Thank you.